नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। चीन अब भूमाफिया बन गया है। अभी तक वो दादागिरी चला रहा था, अब उसे हर जगह पे जमीन चाहिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत के साथ लद्दाख में तो उसकी तनातनी चली रही है, पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ तनातनी चल रही है, दक्षिणी चीन सागर में कई देशों के साथ तनातनी चल रही है, लेकिन अब उसने अपने पड़ोसी राज्य और अपने मित्र राज्य रूस के शहर जो है वो उस शहर का नाम है व्लादिवोस्तोक, उस पर दावा ठोक दिया है। ये शहर जो है प्रिमोर्स्की क्राय राज्य है, उसकी राजधानी है और रूस के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसके जो चाइना के नज़दीक है, चाइना और उत्तरी कोरिया के। और जान के आपको हैरत होगी कि ये बात बोल रहा है कि ये शहर पहले हमारा था, 1860 से पहले ये शहर हमारा था। और ये कैसे दावा करते हैं, तो चाइना के दावा करने का ना तरीका एकदम अलग है। वहाँ पे आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोला जाता है, बहुत कम बोला जाता है। जैसे कि आप फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रवक्ता आएगा तो बहुत नपातुला बोलेगा, बोलता सब कौन है। वहाँ प्रोपगेंडा फैलाने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तार देने के लिए सरकारी मीडिया है, जैसे ग्लोबल टाइम्स, और जो वहाँ पे सरकारी चैनल है वो है CGTN। तो CGTN के संपादक है सेन सिवई, वो कह रहे हैं कि 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक जो है वो चीन का हिस्सा था और इसका नाम हैसेनवाई हुआ करता था। रूस ने क्या किया कि एक तरफा संधि में इसको हथिया लिया। अब बताइए कि इस समय 1860 का इतिहास उधेड़ने का कोई मतलब दिख रहा है? दिख रहा है हमें और आपको, ले मैन को नहीं दिख रहा, लेकिन चीन को दिख रहा है। ये बात इस समय क्यों कही जा रही है, इसके कारण को समझिए। अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय की वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसमें चीन और भारत के प्रतिनिधि पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इधर से गए थे। वहां पे चीन की तुलना में भारत को ज़्यादा भाव मिला और उसी दौरान रशिया ने भारत से वायदा भी कर दिया कि जो जेट देने हैं और जो इक्विपमेंट देने हैं वो मैं आपको जल्दी दूंगा, यानी कि जो तारीख निर्धारित थी, समय निर्धारित था, उसे पहले दूंगा। ये बात चीन को बुरी लगी क्योंकि चीन ने पहले ही रसिया से अपील की थी सोशल मीडिया पे कि वो भारत को इस समय हथियार न दे। अब इसका और बैकग्राउंड में चलिए तो दो कारण है चीन और रसिया में खटपट होने के। पहला कारण ये है कि अभी जो है चीन जो है रसिया में जासूसी करते हुए पकड़ा गया, मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई है। एक बहुत बड़ा रसिया का अधिकारी उसके पनडुब्बी के, यानी कि रसिया जो बना रहा है अत्याधुनिक पनडुब्बी, उसके जो है सीक्रेट्स जो है लीक करके चाइना को दे दिया था, वो गिरफ्तार हो गया है और उसमें चाइना का हाथ निकला कि चाइना बाकायदे जासूसी करवा रहा था, तो उसको लेकर के रसिया ने नाराजगी जाहिर की। और दूसरा कारण यह है कि जो COVID-19 फैला है इसमें रसिया भी बुरी तरीके से चपेट में आ गया। अब रसिया जब बुरी तरीके से तीसरे नंबर पे आया तो स्वाभाविक सी बात है कि यानी कि रसिया के साथ भी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, दुनिया के किसी भी देश के साथ शेयर नहीं किया, और आप जो है COVID-19 से निपट लिए, बाकी दुनिया लड़ रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, ब्राज़ील हो, भारत हो, तो आपने जानकारी छिपाई। तो माना ये जा रहा है कि अब आज ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फ़ोन किया था, पुतिन जो है 2036 तक अब राष्ट्रपति रहेंगे, उनकी बधाई उधाई दी और उसके बाद कहा कि 33 जो फाइटर जेट हमें लेने हैं सुखोई और MiG-29 वो हमें तत्काल चाहिए, और उस पर पुतिन ने हामी भी भर दी कि जितनी जल्दी से जल्दी होगी डिलीवरी करा दी जाएगी। ये भी बात चीन को अच्छी नहीं लग रही है। तो यही वजह है कि जो सरकारी चैनल है उसने एक अब नया राग छेड़ दिया, यानी कि जो कोई चीन के हिसाब से नहीं चलेगा उसके खिलाफ चीन नया राग छेड़ देगा, अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति दिखाएगा, उस रसिया को दिखाएगा जिसके सामने कभी वो बच्चा हुआ करता था। ठीक है कि रसिया टूट गया, पहले के मुकाबले कमजोर हुआ, लेकिन आज भी रसिया रसिया है। तो ये है चीन का हाल। अभी बर्मा से जो खबर आ रही, म्यांमार से, वहाँ के आर्मी चीफ ने आरोप लगाया है कि चाइना जो है यहाँ के जो उग्रवादी हैं उनको समर्थन दे रहा है, उनसे जो हथियार बरामद हुआ वो चाइनीज हुआ है। वो किस लिए भाई? तो वन बेल्ट वन रोड का जो कंसेप्ट है उसमें जो है वो बर्मा को, म्यांमार को शामिल करना चाहता है, और म्यांमार शामिल नहीं हो रहा तो उसके लिए वो दबाव बना रहा है।
ठीक इसी तरीके से भारत पे भी उसने दबाव बनाने की कोशिश की कि आप इसमें शामिल हो जाइए, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो उसे ये लग रहा है कि साउथ एशिया का इतना बड़ा देश, यदि भारत शामिल नहीं होगा, उसका 60 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, फिर वो सक्सेस कैसे होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका और भारत कब चाहेंगे कि चाइना का ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए, इसकी वजह से वो भारत से चिढ़ा हुआ है। लद्दाख तो सिर्फ एक बहाना है, उसकी चिढ़ जो है ये है कि भारत जो है अमेरिका के नज़दीक क्यों जा रहा है और ये जो है ताकत बन के क्यों उभर रहा है, हमारे आप पिछलग्गू बन के क्यों नहीं रह रहा है, ये चिढ़ है। अदरवाइज पेंगोंग के आज जो फिंगर 4 से 8 है उसमें जो है संयुक्त पेट्रोलिंग होती थी, यानी कि चाइना भी आता था और भारत भी जाता था। उस पेट्रोलिंग वाले पॉइंट पे आकर के आप 8 किलोमीटर पे जम करके बैठ गए, उससे आपको क्या हासिल हो जाएगा भाई, कोई हासिल नहीं होना है। वहाँ पे आप जम करके ज़्यादा दिनों तक रह भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक दबाव की राजनीति है और उस दबाव की राजनीति को भारत ने भी अब अपने ईगो पे ले लिया है। लिहाजा जो है दोनों के बीच में जो भी होगा सम्मानजनक सेटलमेंट होगा, अदरवाइज युद्ध ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन का जो है हर देश से वो पंगा मोल रहा है, तो कभी ना कभी तो फंसेगा, अब उसका वक्त आ गया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।